बिहार का नाम उन राज्यों में शामिल है जहां पेपर लीक के मामले अक्सर सामने आते हैं, लिहाजा बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि विधानसभा के मौजूदा मानसून सत्र में पेपर लीक के खिलाफ नया बिल पेश किया जाएगा। आज पेश होने वाले बिल को नाम दिया गया है बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024। नीतीश सरकार के प्रस्तावित कानून में पेपर लीक के दोषियों को 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान है, साथ ही 10 लाख से 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। पेपर लीक के खिलाफ प्रस्तावित कानून राज्य सरकार की तरफ से होने वाली परीक्षाओं में लागू होगा। प्रस्तावित कानून में पेपर लीक से जुड़े सभी अपराध गैर जमानती होंगे। इसके अलावा अगर परीक्षा में गड़बड़ी मामले में किसी संस्थान का नाम सामने आता है और अगर परीक्षा रद्द करने की नौबत आती है तो संस्थान से परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा, साथ ही उस संस्थान की संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.